दोनों जहानों का मालिक भी है, जो कुन कह के हर शय का खालिक भी है, उसे जिसके पाबंद शमसो कमर, जो शाफे भी है और राजिक भी है। माशाल्लाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तंदुरुस्त होंगे और खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से और रहमो करम से शिया भाई दोस्तों मक्का शरीफ में पहुंचने के बाद वहाँ की बहुत अच्छे से ज्यारत कर रहे हैं। और शिया भाई दोस्तों आज मक्का शरीफ से निकलने के बाद एक हॉस्पिटल में पहुंचे और वहाँ पहुंचने के बाद दोस्तों शिया भाई के बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो वहाँ के डॉक्टर थे और जो मरीज थे उन्होंने शिया भाई का माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। वहाँ का दोस्तों वीडियो आया है, वो वीडियो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसी के साथ दोस्तों शिया भाई को आज की अनुमति मिली या नहीं मिली, सब लोकेशन, सब जानकारी ए टू जेड आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। और माशाल्लाह दोस्तों शिया भाई के बाद भी हम आपको इस चैनल पर बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो दिखाते रहेंगे और जो हमारे दूसरे भाई हैं नौशाद भाई, उनका भी आज तक का लाइव लोकेशन देते रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की जो दुआएं थी उनके हवाले से शिया भाई मक्का शरीफ में पहुंच चुके हैं। और मक्का शरीफ में पहुंचने के बाद दोस्तों शिया भाई मक्का शरीफ के आसपास के जो प्यारे प्यारे जगह हैं, जो ज्यारत करने की जगह हैं, शिया भाई वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ की ज्यारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शिया भाई की जो ज्यारत है दोस्तों वो मुकम्मल हो चुकी है। शिया भाई को बहुत जल्दी दोस्तों जो 2023 का हज है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसी के हवाले से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शिया भाई आज मक्का शरीफ से निकलने के बाद एक हॉस्पिटल में पहुंचे जिसका नाम दोस्तों आबिर हॉस्पिटल है। शिया भाई वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद दोस्तों शिया भाई ने वहां पर एक स्पीच दी। जो भी वहां के दोस्तों मरीज थे शिया भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको स्पीच दी और जो वहां के डॉक्टर वगैरह थे उन्होंने शिया भाई का बहुत ही अच्छे से स्वागत करा। वहां का दोस्तों एक वीडियो भी आया है, सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखें। चलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिया कि दोस्तों शिया भाई अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर खड़े होकर बहुत ही अच्छे से स्पीच दे रहे थे और जो वहाँ के डॉक्टर वगैरह थे उन्होंने शिया भाई का माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्वागत करा। शिया भाई दोस्तों बहुत ही तंदुरुस्ती के साथ अपने इस सफर को रवाना करते हुए ज्यारत कर रहे हैं और दोस्तों बहुत जल्दी शिया भाई का जो ये 2023 का हज है ये मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शिया भाई दोस्तों आज मुकर्रमा पर पहुँचने के बाद सारी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बेहंता प्यार प्यार दुआएं कर रहे हैं और अल्लाह दोस्तों उनकी दुआओं को कबूलता फरमाए। और उसी के हवाले से दोस्तों, अगर आपकी भी पर जाने की तमन्ना है तो अल्लाह आपकी तमन्नाओं को कबूल फरमाए और आपको भी हज पर जाने की तौफीक दे। बस आप लोग दोस्तों शिया भाई के वीजे के हवाले से दुआएं करें कि शिया भाई को हज की अनुमति मिल जाए और शिया भाई दोस्तों अपने 2023 के हज में कंप्लीट हो, क्योंकि दोस्तों शिया भाई का जो आज के करंट लाइव लोकेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ के बेहद करीब एक होटल का है। शिया भाई दोस्तों आज होटल में रुके हुए हैं और शिया भाई दोस्तों अपनी जो नमाजें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ में ही अदा करते हैं। ये सब दोस्तों आपकी दुआओं के हवाले से हुआ, तो आप लोग उनके वीजे के लिए ऐसे ही प्यार प्यार दुआएं करते रहा करें। हम आप लोगों को शिया भाई को नौशाद भाई का आज तक का पूरा पक्का और सच्चा लाइव लोकेशन इसी तरह देते रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग कहीं ना जाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं शिया भाई के अगले बिग अपडेट के साथ।